पाकिस्तान का नया रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप की तारीख में 345 रन का सबसे बड़ा हदफ हासिल करके श्रीलंका को हरा दिया। बॉलर्स को बड़ी मार का हिसाब चुका दिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान 131 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेलने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम कमीशन, सियासी और अस्करी क्यादत एक पेज पर, अवाम का मियार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए समाजी और इक्तसादी तरक्की नागुजीर है। निगरान वजीर आजम का सूबाई एपेक्स कमेटी से खिताब, मुआशी नुकसान रोकने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकम्मल तआवुन करेंगे। आर्मी चीफ की यकीन दहानी, अनवारुल्लाह काकड़ की सदारत में इजलास, गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की वापसी और दीगर उमूर पर गौर। हमास के हाथों मार, इसराइल ने गुस्सा निहत्ते शहरियों पर निकाल दिया। गजा पर चौथे रोज भी वहशियाना बमबारी, शहादतों की तादाद 830 तक पहुंच गई, 4000 से ज्यादा जख्मी, बिजली पानी और खुराक की फराहमी मुसलसल बंद, इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। कई बरस के सीना लगे और हम ये कह दें हमारी मर्जी, क्या हम किसी को जवाब दे नहीं? सबको खुश रखना है तो फिर आईनी बातें ना करें, इससे पहले कि कोई और आपका एहतसाब करे हर इदारा खुद ही काम कर ले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। और नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदलने आ रहे हैं, नून लीग हुकूमत बनाएगी और अवामी मुश्किलात कम करके दिखाएगी। मरियम नवाज कहती हैं वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियां जारी।